पोखरा में हूँ, अभी जा रही हूँ साइट सीन करने को। सागर पोखरा से हम लोग जा रही हूँ सड़क गुट पैरा ग्लाइडिंग करने के लिए, देखते हैं उधर कैसा है। सरंगकोट जा रही हूँ, जाने का रास्ता है तो पैराग्लाइडिंग करेंगे, माउंटेन फ्लाइट करेंगे। दीदी, ये भी दीदी है मेरा। हम लोग फाइनली आ गए सरंगकोट में, यहाँ से पैराग्लाइडिंग होते हैं। देखो आप लोग बहुत ध्यान से देखने के बाद देखो नज़र में आ जाएगा, ये जो उड़ रहे हैं वो लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, बट अब टाइम नहीं है तो इसलिए हम लोग का नसीब में पैराग्लाइडिंग नहीं है इस बार। हम लोग सरंगकोट से देख रही हूँ पोखरा सिटी, फिवा लेक, तो यहाँ पर बैठे हैं और चटपटा खा रही हूँ। देखो चटपटा झालमुड़ी बंगाली में, ये चटपटा बनाए वो हम लोग एंजॉय कर रही हूँ और देख रही हूँ पोखरा सिटी और फिवा लेक। बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहे हैं देखने में। ऊपर आ गए, देखो हम पानी पूरी खा रहे हैं। ये पानी अब पानी पूरी खा रही हूँ, हम लोग फुचका एंजॉय कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाए इसलिए मन में थोड़ा दुख है, जो ही तो थोड़ा नाराज हो गए, लेकिन क्या करूँगी नसीब में नहीं है, अब तो नीचे जा रही हूँ। देखो पोखरा से मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पोखरा से ना ये सरंगकोट का रास्ता बहुत ही नैरो है, बहुत स्टीप है, अब तो डाउन हो रही हूँ इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ रहा है। अब हम लोग जा रही हूँ माउंटेन म्यूजियम की तरफ, जो लोग माउंटेनियर है वो लोग को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जानकारी भी मिलेगा इस म्यूजियम पे। चलो तपो दीदी, टिकट लिया 468.75 इंडियन करेंसी, 470 रुपीज़ रखा है। चलो हम लोग के हम लोग को वापस किया है 50 नेपाल करेंसी बैक किया है। माउंटेन म्यूजियम आ गए हम लोग, टिकट भी कर लिया है 250 रुपया नेपाल करेंसी में पर हेड। चलो चलते हैं, अब टिकट हो गया, अब म्यूजियम में चलो। इंडिकेट कर रहे हैं म्यूजियम जाने वाला रास्ता है ये, इसी रास्ता से जाना पड़ेगा माउंटेन म्यूजियम। चलो वेलकम इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम, नेपाल में हूँ हम लोग, अब टिकट कर लिया, जा रही हूँ माउंटेन म्यूजियम हॉल। चलो और वो किधर है, वो उधर है, चलो लेट गो। वो दोनों जा रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर जगह है, चारों तरफ माउंटेन है और थोड़ा फ्लैट मिला और इसमें है माउंटेन। आप लोग पोखरा में आएंगे तो ज़रूर ये म्यूजियम देखना, जो माउंटेनियर है उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जानकारी भी मिलेगा, बहुत न्यूज़ भी आप लोग को मिलेगा ये म्यूज़ियम में। बहुत सारे लोग जो माउंटेन क्लाइम किया है, कोई कोई तो माउंटेन क्लाइम करने के टाइम डेथ भी हो गए हैं, तो ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा ये म्यूज़ियम। हम लोग भी जा रहे हैं देखने के लिए। थ्री पर्सनालिटीज हु कंट्रीब्यूटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन म्यूज़ियम, वो थ्री पर्सन कंट्रीब्यूट किया है, नेम है कुमार खड़का विक्रम और डॉक्टर हरका गुरुंग दावा नरबू शेरपा। जो पर्वतारोही पर्वत आरोहण के टाइम पे डेथ हो गई, ये सर मोनूमेंट बनाया। हाँ हम लोग इस बार म्यूजियम हॉल के तरफ जा रही हूँ। चलो जो ही तो आगे निकल गए, मैं और तपो दीदी जा रही हूँ। देखो चलो मैं तपो दीदी जा रही हूँ और एक है वो तो सामने निकल गई, लेकिन म्यूजियम
ऑफिस म्यूजियम हॉल ऑफिस हो जा चलो उदिगे ये म्यूजियम हॉल है। चलो इस बार म्यूजियम हॉल में जाना है, अंदर घुसना है। फोटोग्राफी अलाउ है। ये म्यूजियम का अंदर आ गई, सिक्योरिटी है, यहाँ पर सिक्योरिटी खड़ा है। हम लोग अंदर आ गए, अब जाऊंगी देखो। ये लिखा हुआ, इसी रास्ते से जाना होगा। हम लोग अब आगे म्यूजियम के अंदर आ गए हैं। देखो अब धीरे धीरे जा रही हूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी खड़ा है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, हल्की अंदर आ गए हम। हाँ तपो दीदी कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा ना, बहुत बड़ा है ये म्यूजियम। देखने में तो एक दिन लग जाएगा। जो माउंटेनर है ना, वो लोग तो पसंद करते हैं और बहुत जानकारी, कब कहाँ कौन सा पीक क्लाइम हुआ है, सब हाईएस्ट पीक और कौन कौन क्लाइम किया पहली बार। और देखो बहुत सारे कल्चर, नेपाल का कल्चर भी है यहाँ पर, और कौन सी देश क्लाइम किया है वो भी है। चलो देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं और आप लोग को भी हम लोग दिखाएंगे। देखो स्टैचू खड़ा है, जो ही जाके फोटो खींच रहे हैं, और बहुत सुंदर, वेल मेंटेनेंस है, बहुत सुंदर। तपोदी तो पूरा देख के मतलब क्या है, खो गए हैं, बोल रहे इसलिए ये विदेशी लोग फॉरेनर लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई है इधर। यहाँ पर लिखा हुआ है शेरपास किचन, किचन है ये किचन, देखो करते हैं शेरपा लोग क्या क्या किचन में यूज करते हैं। किचन ये जब किचन में क्लाइम होते हैं, ये सब बर्तन एक्सपीडिशन होते हैं, तब ऐसा सब सामान यूज करते हैं वो लोग। ये शेरपा का किचन है, शेरपा लोगों का किचन में रहते हैं उन लोग का किचन। देखो ये कपड़ा होते हैं ना, अब दीदी इसमें कपड़ा बनाते हैं। ये पाव कपड़ा बनाने का, हाँ कपड़ा बनाने का। ये देखो उससे पलोग इसे, ओ इसे कपड़े बनाते हैं से पलोग। यहाँ पर सब रहते हैं, देखो शेरपा लोग मोमोज करते हैं। बाबा एक लड़की लड़की करते हजन हजन शेरपा जाती है, ये सब नेपाल में भी बहुत सारी कास्ट होते हैं। जो कौन सा कास्ट कौन सा वाला सामान कैसा ड्रेस यूज करते हैं वो ये म्यूजियम में है। यहाँ पर आएगा तो नेपाल का कल्चर भी पता चल जाएगा, जो नेपाल का जो ट्रेडिशनल कल्चर है, वो लोग कैसा ड्रेस यूज करते हैं, कैसा सामान यूज करते हैं, उनका किचन कैसा है, वो यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है नेपाल का कल्चर। यहाँ पर लिखा हुआ है किराट जाति, ये किराट जाति मतलब किराट कल्चर का लोग ये सब सामान ये सब बर्तन यूज़ करते हैं। देखो जो हथियार है वैसा हथियार यूज़ करते हैं। इस बार हम लोग आ गए माउंटेन हॉल में। देखो माउंटेन हॉल इस बार दिखाऊंगी आप लोग को। हम आ गए अब माउंटेन हॉल में। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन ये एक्सपीडिशन किया है, उनका फोटो लगा हुआ है, और जो अवार्ड मिला है, और उनका ड्रेस कौन सा ड्रेस यूज़ किया है क्लाइम के टाइम में, वो सब हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर। देखो हम लोग देख रही हूँ, वो देख रही हूँ। चलो हम लोग इस बार जाऊँगी लिविंग म्यूजियम में और गोरखा विलेज रेस्टोरेंट। चलो लिविंग म्यूजियम जाऊँगी, खाना भी खाना है गोरखा विलेज रेस्टोरेंट। चलो देखते हैं कैसा खाना मिलते हैं। हम लोग अब जा रही हूँ लिविंग म्यूजियम की तरफ, देखते हैं वहाँ कुछ होगा क्या, कैसा है लिविंग म्यूजियम।
यहाँ पर तो पूरा खाली लग रहे हैं, गार्डनिंग है। और चलो चलते हैं लिविंग म्यूज़ियम। लिविंग म्यूज़ियम में कुछ नहीं है, तो वहाँ पर तो बोल रहे हैं लॉकडाउन के पहले थे, अब तो कुछ नहीं है। अब हम लोग जा रही हूँ पोखरा की तरफ, जो डैम साइड हमारी होटल है। चलो उधर ही जाऊँगी डैम साइड में, पहले तो खाना खाना है, बहुत भूख भी लगे है। चलो चलते हैं आगे, गाड़ी लेके हम लोग बाहर आ गए। पोखरा म्यूज़ियम है वो छोड़ के हम लोग आगे आ गए। अब खाना खाऊंगी, रेस्टोरेंट में जाना है। डैम साइड होटल पोखरा इन में हूँ हम लोग। चलो कल भी इधर रुके हैं, आज भी हम लोग घूम के आए और यहाँ पर रुक गई। देखने में तो ये जगह पूरा कोल्लानी जैसा लग रहे है, क्या तपो दीदी? और हमारा होटल कैसा है? लग रहा है हमारा पराई है कोल्लानी का। ऐसा लग रहा है हमारा कोल्लानी में घूम रहे हैं हम। रास्ते रास्ते दुकान पे जाते हैं। ये होटल पिछले वाला वीडियो पे ये होटल दिखाया था, तब रात का सीन था नाइट का। अब तो डे में देखो ये होटल, बहुत अच्छा लगा। ये जगह डैम साइड है, कल रात में आए थे हम लोग, शाम हो गए आने में तो कुछ दिखाई नहीं दिया। आज पूरा पोखरा घुमा है हम लोग, सागरकोट हम लोग होके आई, और माउंटेन म्यूजियम इंटरनेशनल, और बहुत सारी जगह पूरा पोखरा घूम लिया। और डैम साइड में हम लोग रुके हैं, बहुत अच्छा लगा। कल जाऊंगी पैराग्लाइडिंग करने के लिए, उसके बाद जाऊंगी सीधा काठमांडू। चलो होटल जाऊंगी, फिर आप लोगों को रूम दिखाऊंगी, आज दूसरा रूम पे हम। चलो चलते हैं। चलो गाड़ी पार्क कर दिया, गाड़ी अंदर कर दिया, और चलो धीरे धीरे आ जाओ, चलते रहो। रूम तो दिखाया है पिछले वीडियो में, अब रूम दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। होटल में रूम पे जा रही हूँ। ये हमारे पार्टनर है, कार है, ऊपर से तो नहीं देखा है। देखो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, खुद ही बोल रही हूँ, खुद का कार बहुत प्यारा है। मेरा तो पार्टनर बन गए है ना, माय इम्पोर्टेंट पार्टनर, मेरा रेनॉल्ट ड्राइवर गाड़ी है। इसी होटल में हम लोग रुके हैं। पोखरा कंप्लीट हो गए और हम लोग अब जाऊंगी काठमांडू की तरफ। काठमांडू जाने के टाइम पे जो जो साइट सीन हम लोग दिखेंगे वो आप लोग को दिखाऊंगी। लेके आऊंगी मनोकामना टेम्पल, काठमांडू का फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल। देखने के लिए सब्सक्राइब करना माउंटेन ब्लॉग सुतोपा।